और चलते चलते हम जहाँ पहुँचे थे, ये सतलुज क्लब है दोस्तों, हमें पता चला खूबी एजेंसी से, दोस्तों से, विश्वसनीय सूत्रों से कि जहाँ पर प्रोग्राम है। मैंने कहा भाई क्या प्रोग्राम है? कहते रोबोटिक्स होता है ना, रोबोट होता है जो। मैंने कहा हाँ भैया रोबोट होता है। कहते आजकल वही चलेंगे। तो मैंने कहा अच्छा भैया रोबोट होते हैं जो, जहाँ पर सारा मीडिया आया हुआ है, जहाँ प्रेस आई हुई है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, जो प्रेस नोट भी पोला लेके आ गया। भैया इस पर कुछ अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। बोले पता चला है कि वो जो रोबोट होता है ना, आजकल वही काम करता है। जितने वर्कशॉप हैं, मैकेनिक हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट वगैरह हैं, जितने भी आजकल मशीनें हैं, सभी रोबोट से चलती हैं। चलकर हम अंदर देखते हैं कि क्या चल रहा है। बोले अंदर चल के देखते हैं, जहाँ पर मीडिया बैठा है वो लड़का भी जो है जिसने रोबोट बनाया है, फिर बाद में हम बताएंगे हमने क्या क्या देखा है। चलिए देखते हैं चलकर। ये सतलुज क्लब है, उसके एंटर कर रहे हैं हम, उनके रेस्टोरेंट में हम जाएंगे। तो बोला जी आपको दिखाएंगे, ये भी दिखाता थोड़ा सा, इधर भी लोग जो घरों में बैठे हैं उनको पता चले कि सतलुज क्लब में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पंसुल सचदेवा, पंसुल सचदेवा ने रोबोट बनाया है जो बुजुर्गों की मदद करता है। कुछ नहीं करना, बुजुर्ग लोग हैं घर पर बैठे हैं, तो लोग कहते हैं पानी गर्म है, पानी ठंडा है, चाय गर्म, चाय ठंडे, मेडिसिन लेनी है, जो भी कुछ है रोबोट आपको रिमाइंड कराएगा। आप घर में बुजुर्ग हैं वो देखिए पंसुल, उधर दिखा दो उसको, उनका लोगो माता है, ऊपर ऊपर दिखा दो उसका चश्मा, ऊपर से दिखा दो उसको, ये देखिए वो बता रहा है रोबोट की जो खासियत है। देखिए आप मीडिया से जाए इनके साथ है। सही है ना? और देखिए रोड़ा जी मेरे सामने खड़े हैं, ओम प्रकाश रोड़ा जी, ओपी रोड़ा जी, जो न्यूरो के यानी बहुत ही जो फेमस डॉक्टर है नॉर्थ इंडिया में, और मैडम भी साथ हैं। सर आप यहाँ पर बच्चे को आशीर्वाद ही निकले हैं। या बच्चे ने रोबोट की एक ना इनोवेटिव काम किया है और वी आर प्राउड ऑफ इट। मतलब इतना छोटा बच्चा और इतना अच्छा काम किया है और रोबोट बना दिया है, तो आगे से आप फ्यूचर सोच सकते हो कि इंडिया का फ्यूचर है ये, और आगे से टेक्नोलॉजी में कितना ऊपर जाएगा आप सोच ही नहीं सकते। मतलब रोबोट की, रोबोट का ज़माना है। आज की डेट में भी देखो तो 7 रोबोट पंजाब मतलब आ चुके हैं लुधियाना में, जो कि गोडे बदलने के लिए, मेडिकल एड के लिए। और कल को ये बच्चे को हमने देखा है कि हमारे जैसे स्ट्रोक अधरंग के पेशेंट है, पासा मारा होता है, उनकी एक्सरसाइज करनी होती है, रोबोट आएगा एक्सरसाइज करा देगा। जो पेशेंट 6-6 महीने ठीक नहीं होते, 15 दिन में चलते जाएंगे।
बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चा बहुत आ चुके हैं रॉबर्ट, आ चुके हैं आज, मतलब हमारी कॉन्फ्रेंस में थे। अच्छा, ये बच्चा भी बनाएगा, ये बच्चा भी बनाएगा और डेवलपमेंट। बच्चा ने तो बनाया ही है ना, इसने तो बना ही दिया। अगली लड़ाई आएगी ना चाइना के, तो रॉबर्ट से ही होगा, रॉबर्ट से ही होगा सारा कुछ, रॉबर्ट का। रॉबर्ट रॉबर्ट के ऑपरेशन होते हैं सारे, ब्रेन के सारे, रेस्टेक्टमी, यूरिन के, ब्लैडर के, सभी कैंसर के। और क्या बात, मेडिकल लाइन में बहुत, मेडिकल लाइन में तो बहुत रोल है रॉबर्ट। आगे अपने आप टेम्परेचर चाइना में भी आजकल, जैसे कोरोना फैला था तो रॉबर्ट ही बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते थे टेम्परेचर चेक करके, और अंदर नर्सिंग स्टाफ, जैसे मेडिकल शॉर्टेज है आजकल अमृतसर ना से यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तो रॉबर्ट ही नर्सिस का काम, या टेम्परेचर नोट करना, वाइटल्स नोट करना, पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसको पानी तक दे के आना, उसकी कंडीशन देखना, वो रॉबर्ट ही करेगा। रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी सब जगह रॉबर्ट आना सर्विस है। देखिए रोड साहब ने बताया कि रॉबर्ट ही काम करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और ये पांशुल सचदेव है इसका नाम। हाँ पांशुल, पांशुल ही मेट मी इन द मॉर्निंग, तो मैं तो आई कम टू ब्लेस हिम। नहीं नहीं, ये हमारे हॉस्पिटल का हमारा ही बच्चा है घर का, डॉक्टर गौरव सचदेवा मेरे साथ ही बैठते हैं, उनका बेटा है ना। अच्छा, और वैसे भी ये हफ्ते में आके दो दिन तो मिलता ही मिलता है मेरे को। अच्छा अच्छा, और इसने महीना पहले बना लिया था, तो कहता था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो तभी दिखाऊंगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, और देखो प्रॉमिस किया था, कहते मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तभी बुलाऊंगा। डॉक्टर साहब जहाँ पर आए हैं तो इन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया, बच्चा जो है इनके डैडी डॉक्टर हैं। प्रे करो कि बच्चा बहुत आगे। और देखिए हम प्रे करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हिंदुस्तान के साथ बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। सर जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। थैंक यू, थैंक यू। बात करने वाला डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब मैंने आपको बिछाना, आप उसके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा पर्सनैलिटी तो बिग प्रोवाइड लगती नहीं, लेकिन आप पता चला कि आपका डॉक्टर सही देव है, तो आपका बच्चा ये जो कर रहा है सतपाल मित्र में पढ़ता है, और शी सिक्स क्लास में है, तो जो आप उसको कैसे कहते हैं, गाइड करते हैं, कैसे प्रेरणा देते हैं, कैसे उसने ये सब किया? देखो जो ये नई लाइन है रोबोटिक्स की, ये हर बच्चे को सीखनी चाहिए, बिकॉज आने वाला टाइम जो है वो ड्रोन्स और रोबोट्स का ही है। मैं आई में प्रेजिडेंट हूँ, रोज़ हम देखते हैं कि हमारी डॉक्टरी में भी जो है, जो ना पहले सिर्फ नीर सर्जरी होती थी रोबोट से, अब कैंसर सर्जरी भी होने लग गई है, गैस्ट्रो सर्जरी भी होने लग गई है। इससे आपका टाइम भी बचता है, आपकी मैन पावर भी कम होती है, आपका ब्लड लॉस भी कम होता है, ऐसी सर्जरियां हैं। और इसी तरह जो बच्चे ने अपने दादा दादी के लिए ये जो एल्डरली हेल्पिंग रोबोट बनाया है, उसके दिमाग में आया होगा कि मैं इनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे इनकी सेवा कर सकता हूँ। तो ये जो है, अगर आप घर पर नहीं भी हैं तो आप इसके ज़रिए जो है आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, बुज़ुर्गों को मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें कैमरा है, वॉइस है, इसमें हीट टेम्परेचर रिकॉर्डर भी है, तो जैसा भी, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ये फ़ैन अपने आप चलवा देगा। आप इसमें अगर पहले फीड कर देंगे, मेडिटेशन टाइम, खाने का टाइम, दवाई का टाइम, ये आपको बोल के अलार्म दे के बुज़ुर्गों को बताएगा, और बुज़ुर्ग अगर इसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इसकी रेंज से बाहर चले गए। देखिए सीनियर सिटीजन के लिए जो बनाया हमारे डॉक्टर सचदेवा के बेटे ने, और प्रेरणा देखो उनके जो मोटिवेटर है हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी रोड़ा जी हैं, उनके मिसेज हैं, सभी ये फैमिली है इनकी, और हम चाहते हैं कि हर बच्चा आगे बढ़े, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और तभी चाइना से टक्कर होगी, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। धन्यवाद सर, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। वेरी वास्ट, वेरी एंड वाइड स्प्रेड, सो दैट एवरी चिल्ड्रन गेट मोटिवेटेड। और देखिए बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि हम भी ऐसा काम करें, हर बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चा काम करे। चलिए बोले हूँ।